हेलो गाइस, तो चांदनी किचन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नए रेसिपी जिसका नाम है कॉर्न पकौड़ा। कॉर्न पकौड़ा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले लिए हैं, कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हम ताजे कॉर्न ले लिए जो हम अपने बगान से तोड़ के लाए हैं। अब हम अपने कॉर्न के सारे दाने को अच्छी तरह से निकाल लेंगे एक एक करके। अब हमारे दाने सारे हम निकाल चुके हैं। सारे कॉर्न को हम एक भगोने में रख लिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे जितने कि हमारे सारे कॉर्न के दाने डूब जाए। अब हम सारे कॉर्न को दाने को 3 से 4 घंटे के लिए फूलने देंगे। अब हमारा 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और कॉर्न के दाने बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। हम दबा के देख रहे हैं, हमारा कॉर्न के दाने दब रहे हैं, यानी कि हमारे कॉर्न के दाने बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम कॉर्न के दाने को मिक्सी जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम मिक्सी जार में कॉर्न के दाने को डाल दिए। इसी में हम मसाले को भी डालेंगे। हम मसाले में यूज कर रहे हैं काली मिर्च, जीरा, लहसुन और लाल मिर्च डाल रहे हैं हम यहाँ पे। अब सारे मसालों को हम मिक्सी जार में डाल दिए कॉर्न के साथ ही, और कॉर्न के साथ ही मसालों का भी हम पेस्ट बना लिए हैं। हम सारे कॉर्न को फाइन पेस्ट बना लिए और मसाले भी इसमें मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से पेस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, और हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। अब हल्दी और नमक को अच्छी तरह से हम मिला देंगे। हम यहाँ पे मसाले नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम कॉर्न के दाने के साथ ही मसाले का भी पेस्ट बना लिए थे। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 बड़े साइज का प्याज जो हम बारीक तरीके से काट लिए हैं, इसे भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कॉर्न के पकौड़े में प्याज डालने से कॉर्न का पकौड़ा बहुत टेस्टी और लाजवाब बनता है। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम पहले से इसे गर्म होने दे दिए थे और ऑयल भी डाल दें। अब हम कॉर्न को छोटे छोटे करके तेल में डालेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे हाथ से डाल रहे हैं। सारे पकौड़ों को तेल में डालने के बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे क्योंकि हमें कॉर्न के पकौड़े कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म था इसलिए हमारे पकौड़े डालते ही ब्राउन होने लगे हैं। अब हमारे पकौड़े एक तरफ से पक गए हैं, दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। कॉर्न के पकौड़े बरसात में ही अधिकतर अच्छे लगते हैं और ये कुरकुरे भी होते हैं तो बहुत खाने में टेस्टी भी होते हैं। अब हमारा कॉर्न पकौड़ा धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगे है। अब इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब हमारा कॉर्न पकौड़ा बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे अब हम एक बोल में निकाल लिए हैं। इसका सारा ऑयल हम अच्छी तरह से निकलने देंगे, उसके बाद हम इसे बोल में निकालेंगे। अब हमारा गर्मा गर्म कॉर्न पकौड़ा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। अगर हमारा कॉर्न पकौड़ा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me.